भाई बिग बॉस में बड़ा ही घपला चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस में जो है अब वोटिंग लाइनों को कर दिया गया है क्लोज। आप वोट करेंगे लेकिन वोट काउंट नहीं होंगे, यानी कि अब वोटिंग लाइनें हो गई हैं क्लोज। और अब ये कहा जा रहा है कि फाइनल की शूटिंग जो है वो आज ही हो रही है, यानी कि उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा, उसको रिकॉर्डेड दिखाया जाएगा। इस तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। और अब जो है पूरी तरह से ट्रेंड बदल गया है वोटिंग में। अब जो है वो बड़ा उथल-पुथल मचा है, क्योंकि फैंस बड़ा जबरदस्त तरीके से वोटिंग में लगे हुए हैं। जिसको जिताना चाहते हैं उसके लिए धड़ाधड़ वोटिंग की जा रही है। और साई केतन जो है वो पहुंच गए 5वें नंबर पर। जी हाँ, साई केतन वोटिंग के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और 4थे नंबर पर पहुंचे हैं रणवीर शोरी, जो कि अब तक 3रे नंबर पर था वोटिंग के मामले में, लेकिन अब उनकी वोटिंग परसेंटेज घट गई है, लोग उन्हें कम वोट कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है वो 4थे नंबर पर पहुंच गए। और कृतिका मलिक जो है वो 5 3रे नंबर पर वोटिंग के मामले में 3रे नंबर पर पहुंच गई हैं। जी हाँ, अरमान मलिक घर से बाहर निकले और उन्होंने धड़ाधड़ अपनी पत्नी के लिए जो है वोटिंग की अपील कर दी है। पायल मलिक भी पूरी तरह से जुटी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं अरमान मलिक फैमिली जो है वो पूरी तरह से कृतिका मलिक को जिताने की कोशिशों में लगी हुई है। तो ये फैक्टर, ये जो है एक फायदा तो कृतिका मलिक को ये हो सकता है कि अगर इसी तरह उनके लिए वोटिंग होता रहा है तो वो 3रे नंबर पर भी पहुंचती हैं, तो भी उनके लिए बड़े गर्व की बात होगी। और मलिक परिवार जो है वो चाहता है कि कृतिका मलिक जो है वो विनर बन के लौटे, क्योंकि एक परिवार से 3 लोग गए और तीनों में से कोई भी अगर विनर नहीं बनेगा तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो इसीलिए पूरे जी जान से जुट गए हैं। और 2रे नंबर पर कौन पहुंचा है भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि 2रे नंबर पर कौन पहुंचा है, जिसे बार बार लोग ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि ये बंदा तो सोता ही रहता है, खाता ही रहता है। वो बंदा जो है अब वोटिंग के मामले में 2रे नंबर पर पहुंच गया है। जी हाँ, नेजी की बात कर रही हूँ। नेजी जो है वोटिंग के मामले में 2रे नंबर पर पहुंच गया। कल तक जो जनता जो है वो नेजी को ज्यादा वोट नहीं कर रही थी, उन्होंने आज दिल खोल के निजी को वोट करना शुरू कर दिया है। धड़ाधड़ उनके पक्ष में वोट आए हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि निजी जो है वो विनर बने। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जिसके लिए हो रहे हैं वो है सना मकबूल, जो कि जिनके लिए हर कोई वोट मांगता हुआ दिख रहा है। अली गोनी हो गई, मनीषा रानी हो गई, मुनव्वर फारूकी खुद जो है वो सना मकबूल के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, जो भी विशाल पांडे हो गए, फिर लव कटारिया हो गए और शिवानी हो गई, ये इनका बॉन्ड बना हुआ था, अच्छी दोस्ती थी, तो कहीं ना कहीं इन तीनों के निकलने का फायदा जो है वो सना मकबूल को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इन तीनों के फैंस भी जो है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भले ही हमारा कैंडिडेट, हमारा फेवरेट ना बना हो बिग बॉस का विनर, लेकिन उसके दोस्त जो हैं उसके हाथ में वो ट्रॉफी जानी चाहिए। और इसीलिए अब जो है विशाल, लव कटारिया और शिवानी के जितने भी फैंस हैं वो धड़ाधड़ सना मकबूल के लिए जो है वो वोटिंग करे जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे। बाढ़ सी आ गई है, रात से ही लगे हुए फैंस। लेकिन देखना तो ये फाइनल में होगा कि कौन बनेगा विनर, क्योंकि बिग बॉस के घर में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक वही चीजें हो रही हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, और जिनके लिए वोटिंग नहीं की जा रही थी वही घर से निकल रहे थे। खैर, अब जो है फाइनल में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि स्त्री 2 का प्रमोशन भी करना है, तो ये फाइनल में नजर आएंगे अनिल कपूर के साथ। और फाइनल होने वाला है बड़ा दिलचस्प, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से बिग बॉस ने जो है वो विजेता चुन रखा है, बस उन्हें अनाउंस करना है। तो देखना होगा कि क्या वोटिंग के आधार पर विनर बनेगा या फिर बिग बॉस इस बार भी कर देंगे चीटिंग। तो देखेंगे हम भी, आप भी, और सारी अपडेट जो है वो आपको घूमती आंख पे मिलेगा। तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए हमें, ताकि हर अपडेट आप तक मिलती रहे।